नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज बनने के बाद दिखाई देने लगा है मरीज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होना, और मरीज के पास अगर पैसा ना हो तो फिर भूल जाए कि उसे यहाँ इलाज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ तो अब हर एक चीज का पैसा लगने लगा है, क्योंकि अब ये मेडिकल कॉलेज हो गया है। अब यहाँ जिला अस्पताल जैसी कुछ भी सुविधा नहीं है जो कि अब आपको फ्री मुहैया कराया जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का, जहां रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल बताया जा रहा है। इलाज के नाम पर फिरोजाबाद के स्वशासित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी फिरोजाबाद के अस्पताल में वार्ड बॉय पैसे का लेन देन करते हैं, जिसके बाद ही मरीजों का यहाँ पर इलाज सुनिश्चित हो पाता है। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर फिरोजाबाद सरकारी अस्पताल के CMS से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में ये मामला अभी आया है, जिसमें फिरोजाबाद सरकारी अस्पताल का वार्ड बॉय रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है, जिसके विरुद्ध जांच कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक टीम बनाई है जो कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच करेगी। इसमें अगर वार्ड बॉय को दोषी पाया जाता है तो उसको टर्मिनेट करने का काम भी किया जाएगा। तो वहीं मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए फिरोजाबाद का सरकारी अस्पताल लगातार प्रयास कर रहा है। और क्या कुछ कहना था CMS का, देखिए खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है? राजकुमार। कल आए 8 से 10 बजे तक उसके नाम आना होगा, ठीक है? हाँ, कल कोशिश करेंगे तो शाम को आ जाओ, मंगवा लेंगे। उनकी दुकान पर जो ना अकेले और काम हम नहीं कराना। कमी है वहाँ में, कैसे होगा 10,000 रुपया 15,000 रुपया रखे कागज मसलोटे के, तो वहाँ 10,000 रुपया देने आवे, 5 दिन हो गए तो 5 से कम है, 10,500 है जी। अब 5 दिन नहीं तो जाते हैं लगा लो, तो नहीं 500 रुपये तो कम है जी, तो वो मान के दिए के 5,000 संजोगी 5,500 दे दूँगा, तुम्हें भी आवे से दे दूँगा 10,500 उनसे बात नहीं करने की जरूरत है, तुमको दवाई लेने गया, वो कैंसर उसके बच्चे को दवाई दिलाने गया। तो बता देने करवा देंगे ये भी, हाँ हाँ पूछ लेना, बता देने करवा देंगे, क्योंकि लड़का भेज नहीं पाएगा अभी तुमको। हाँ, उनकी दुकान पर जो ना अकेले और काम हम नहीं कराना। Thank you.
एक कमी है वहाँ में, कैसे होगा 10,000 रुपया। हेलो, हाँ भैया, पैसे कितने डालना है? कम नहीं करोगे क्या भैया? और कम कर लो कुछ, है ना, ये गरीब लोग आए हम। थोड़ी बहुत और कम कर लो। हेलो, हाँ जी, 12,000 बताए, 12 हेलो, चलो खाली क्या होते हैं, चलो डॉक्टर से बात कर कर देना। मरीज को कहने से पहले ही फोन कर देता हूँ मैं आपको। हेलो, आपका पेशेंट कहाँ पे भर्ती है? जी, यहाँ पर भर्ती है। जी, यहाँ पे भर्ती है जी, सरकारी हॉस्पिटल। क्या हुआ है? क्या वो हड्डी टूट गई है और मतलब ऑपरेशन की बोल रहे थे, हमने दिखाने आए तो मतलब बोल रहे थे ऑपरेशन की कि ऑपरेशन हुआ तो फिर हाँ कैच लगा दिए, खेच लगा दी है कि खेच से आ जाती है सही तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन हुआ। हाँ, तो हमने, मेरे पास तो ऑपरेशन के पैसे है नहीं है तो फिर नहीं किया, डॉक्टर साहब ने नहीं किया। आपसे पैसे भी मांगे थे? अभी मुझसे कुछ नहीं किया ऑपरेशन के लिए। हाँ, ऑपरेशन के लिए अभी पैसे जी कह रहे थे बाहर से पैसा सामान आया उसके लिए पैसे चाहिए, अभी मांगे नहीं है हमसे। रायपुर। आप कहाँ पे एडमिट हैं? सरकारी अस्पताल में चिकित्सा। क्या हुआ था? सर एक्सीडेंट हो गया, सर जांग से टूट गया। क्या हुआ यहाँ? कुछ सुविधा कैसी मिले? कोई सुविधा नहीं सर। पैसे भी नहीं है मेरे सर, पापा से 14,000 रुपये मांगे थे तब 11,000 रुपये पापा ने हाथ पर जोड़े, तब 11,000 रुपये की बात हुई थी, 11,000 रुपये तक हो जाएंगे। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार कैसा है? यहाँ का स्टाफ का व्यवहार ऐसा है, पेशेंट पड़ा है दर्द वगैरह हो रहा है, 2-3 आवाज मारते हैं तब तो आते हैं, और इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है आराम से लगाओ, तो एक बार में प्रेशर से लगा के चले जाते हैं, सुनते हैं नहीं। और आप कितने साल में करते हैं? वैसे तो एक आदि सही है ना, और मैम वगैरह आती हैं, वह डांट के बात करती हैं सही तरीके से बात। वैसे 14,000 मांगे थे, अभी 11,000 पहुँचे हैं, बाकी के पैसे रह गए हैं। उनसे लिए या किसी और से लिए? और से भी नहीं है कोई जानकारी? और जानकारी तो नहीं है फिर। वैसे वीडियो बनाई थी क्या उसमें? पैसे मेरे पापा ने पैसे दिए हैं वो भी, या जो जिस भाई ने पैसे लिए थे उनके गिनते हुए की भी है, वो मास्क पहने थे ना, इस वजह से उनका चेहरा साफ नहीं आया। ऑपरेशन के लगे थे या नहीं लगे? हाँ हाँ लगे, पर अब वो तो पता ना। अच्छा, तुम्हारा मरीज कौन व्यक्ति है? कौन है ये मोड़ा? हाँ, क्या होगा सर? बहुत टूट गया, पैर टूट गया। अच्छा, तो पैर का ऑपरेशन हुआ? हाँ, हो गया। हाँ, हो गया। तुझे कहते पैसे चाहिए? कितने पैसे दिए?
कुछ पता है? एक मोटा पता नहीं भाई, लड़का आओ देवो वो अब आओ तो ना ऐसा आप को नहीं पता कभी आता है। मुझे आज पता लगा है, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोई रिश्वत लेते हुए इस तरह का कोई सामान के बारे में पैसा लेते हुए, तो उसकी अभी हमारे पास कोई लिखित में शिकायत तो आई नहीं है, लेकिन वीडियो दिखा है। इस संबंध में हमारे यहाँ प्रिंसिपल महोदय द्वारा एक समिति बना दी गई है जो इसकी जाँच करेगी, जाँच करने के उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। सब वो व्यक्ति जो है अस्पताल का ही है, वार्ड बॉय है जी। ऐसा मेरे ज्ञान में आया है, क्योंकि इम्प्लांट्स जो लगते हैं ऑपरेशन में वो यहाँ पे तो आते नहीं है, वो बाजार से लाने पड़ते हैं, तो बाजार से लाना चाहिए तो रसीद के द्वारा लाना चाहिए पेशेंट्स को, लेकिन अगर ये कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत से मरीजों का कहना है हमसे पैसे की डिमांड की गई है। हाँ, तो इसी की तो शिकायत जांच करेंगे, ऐसा ये आया है ना शिकायत इस तरीके से, जो वीडियो हुआ है उसके द्वारा संज्ञान में आया है, इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद जो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई बार इसी तरह की घटनाएं होती है लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं होती है, क्या माना जाए? मेरे सामने तो अभी तक पहली बार ये घटना आई है, उसके पहले पूर्व में आई हो तो मुझे जानकारी नहीं। आपकी तरफ से किस तरह से कठोर कार्रवाई की जाएगी? इसके जो है इसको यहाँ से जो है या तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा या इसको यहाँ से जो है सस्पेंड किया जाएगा। भाई अगर हमें अस्पताल प्रशासन की बात करूँ, किस तरह से मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं? हमारे अस्पताल प्रशासन की तरफ से मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा रही है, तीनों शिफ्टों में सब लोग कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आयुष्मान भारत की ज़रूरत होती है उसका फ्री में इलाज कराया जाता है, उनके लिए तो इम्प्लांट्स वगैरह भी फ्री में आता है, पूरा इलाज फ्री किया जाता है।